थर्ड है, अभी तक थर्ड ही पहुंचे यार। फोर्थ रेस्टिंग पॉइंट है, ये थर्ड है। सो ये काफी खड़ी चढ़ाई है, झिझनाहट सा हो रहा है, और जैसे तुम नीचे उतर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली स्टेप्स आगे बढ़ जा रहा है, बट लेकिन नीचे उतरना बहुत जरूरी है। तो हम बढ़े, जल्दी तुम बढ़े चलो, कितनी तुम्हारे साथ है। हम बढ़े जा रहे हैं और ये मेरे को धक्का देती हुई मेरे पैर पे कंट्रोल नहीं है। तमाशा मूवी को रेप्लिकेट करने वाली है, देखते हैं। जल्दी जल्दी, पीछे से लोग आ रहे हैं, वो देखो। गिर मत जाना। कौर्तिका वर्सेस द नॉलिटी। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। आई गेस 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये। ये है सुरगंडा मंदिर जहाँ हम लोग जा रहे हैं। सब जिनसे भी पूछा उन्होंने ये बोला कि व्यूज़ बहुत अच्छा है, ट्रैक बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ भी ट्रैक कर लिया जाए जब इतना दूर आए हैं। तो ये धनौल्टी से आई गेस 7 किलोमीटर्स है, राइट। और हमने अभी ट्रैक स्टार्ट किया है, जय माता दी बोल करके बस अब ट्रैक आगे कर लेना है। बहुत दिन बाद ट्रैक कर रहे हैं ऐसा ये बोल रहे हैं मैडम, तो ये थक चुकी है। एक्सरसाइज अभी छोड़ दिया था ना, स्टार्ट ही नहीं हुआ है कि ये थक चुकी है। और इधर का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही सुंदर है। कैमरा में तो उतना पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट बहुत ही अच्छा है। फाइनली भगवान जी भी यही चाहते थे कि अगर हम इतने दूर आए तो हिमालयस देख कर जाए, और हमें हिमालय का पहाड़ दिख चुका है सामने, जो किस कैमरे में नहीं दिखेगा, बट हम लोगों को अच्छा लगा कि हम लोगों ने पहाड़ देख लिया। हम लोगों को फटाफट ऊपर चलना चाहिए, ऊपर से शायद और शानदार नज़ारा। हाँ, ट्रैकिंग छोड़े हुए ना जमाना हो गया तो थोड़ा सा थकान तो लगेगा ही। ट्रैकिंग इशू नहीं, एक्सरसाइज इशू। हाँ तो बोला तो ट्रैकिंग एक्सरसाइज सब एक ही है, अलग अलग दोनों में मेहनत तो सेम ही लगता है। आपको खच्चर भी मिलते हैं अगर आपको इस किधर जाएं। हाँ एकदम वो जो टॉप दिख रहा है ना वो मंदिर है, वहाँ पर टेंपल है, वहाँ जाना है। और ये रोप वे यहाँ पर बन रहा है, टाइम लगेगा। तो आई गेस ये रोप वे का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मेरे ख्याल से जब ये बन जाएगा तब लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा यहाँ पर दर्शन करना। ये देखिए एक थकी हुई लड़की को। सो अभी ट्रैक में थोड़ा देरी लाइक 10% भी नहीं चढ़े हैं और हाल बेहाल हो चुका है, हाथ छूट गया है। हाँ चलो गिन्नी, इससे पहले कि बारिश हो या कुछ और हो निकलते हैं यहाँ से, फटाफट दर्शन करते हैं क्योंकि लोग उतर रहे हैं जब हमारा चढ़ने का टाइम हुआ है। 30 मिनट्स में हम लोग यहाँ से ये ट्रैक कंप्लीट करके जाना है। थर्टी मिनट्स में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो भी नहीं पता। वन बिग मिस्टेक अगेन, वाटर नहीं लिया। बोला था तुमको कि पानी ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, यू सेड नो। सो यही भरोसा यही सहारा अभी जय माता दी बोल करके ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ ये मत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बता दे। हाँ सो अभी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी कितना, आधा किलोमीटर हम लोग आ गए होंगे, 1 किलोमीटर रह गया है। बट मज़ा आ रहा है क्योंकि व्यू अच्छा है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जा कर के और अच्छा होने वाला है। बट जो मैडम जी ऑलरेडी थक चुकी है, ये मैं अगर अकेले रहता तो शायद अभी तक पहुँच गया रहता। इतना धीरे चल रही हो तुम, बोला तो। हाँ वीडियो में लगेगा कि तब से एक ही जगह पे ऐसे ऐसे कर रही है, लग तो रहा है एक ही जगह पे चल रही हो। थोड़ा फास्ट चलो ट्रैक में। सो अब इन्होंने शपथ ले ली है कि जब तक 4 राउंड इस तरह से ऐसे ऐसे जो जिगजैग है
वो नहीं चढ़ेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इनका चार राउंड क्या होता है। ये एक को चार बोलती हैं। तो एक राउंड में ही रुकेंगी लगता है। ये सेकंड हुआ, तीसरा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। सो ये थर्ड है। अब ये देखो, ये देखिए घास खाते हुए। ये सिर्फ रेन शेल्टर है, अगर बारिश वगैरह होती है तो उससे बचने के लिए। थर्ड है, थर्ड है। अभी तक थर्ड ही पहुंचे हैं। फोर्थ रेस्टिंग पॉइंट है। ये थर्ड है, वो फोर्थ है। हाँ, डालो अपने जल्दी चढ़ गए इसलिए। सो ये काफी खड़ी चढ़ाई है। आई गेस विंटर सीजन में जब ठंड का सीजन रहता है तो यहाँ काफी बर्फ जमी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर रोपवे भी बना रहे हैं ताकि लोगों का आना जाना बना रहे। सांस थोड़ा फूल रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रैक करके ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, आई गेस ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और मैडम ने जैकेट कार में ही छोड़ा है। मैडम दौड़ जाइए, लास्ट ही है ये, वी आर ऑलमोस्ट देयर। थोड़ा सा खुश हो गए। हाँ, मंदिर दिख रहा है। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये पास में मंदिर है बस, और यहाँ से इस तरफ वो सिर्फ वो हिमालय है, लाइक वो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। आई गेस अगर वो जो बीच में बादल नहीं होते तो वो बहुत ही अच्छे से दिखते, कंप्लीट दिखते, बट उसका जो टॉप है वो दिख रहा है सिर्फ। और ये देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ से ट्रैक करके आ रहे हैं, वो आपको वहाँ पर वो रोड दिख रहा होगा वहाँ पर, आई गेस नहीं दिख रहा होगा अच्छे से इसमें, बट वहाँ से हम लोग ट्रैक करके आ रहे हैं। सो जल्दी से पहुँचना है, जल्दी से उतरना है क्योंकि बारिश हो जाएगी। तो यहाँ से रिटर्न का रास्ता है वो लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है, तो जल्दी से जल्दी ट्रैकिंग खत्म करके हमें वापस जाना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल करके हम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको पूरी हिमालयस के दर्शन हो जाते हैं। इस कैमरे में तो नहीं दिखेगा, बट अगर आप यहाँ तक आ जाते हो तो यहाँ से हिमालयस के भी दर्शन कर सकते हो। अगर आप ये मंदिर पहुँच जाते हो तो आप ओवरऑल धनौल्टी से लेकर हिमालयस तक देख सकते हो। ये व्यू पॉइंट इतना अच्छा है, कंप्लीट पूरा चारों तरफ, मतलब जितना भी ट्रैक किया ऊपर चढ़ के आया, बट आने के बाद मजा आ गया यहाँ। मतलब आप ये मिडिल है जहाँ से आप चारों कॉर्नर देख सकते हो पहाड़ का। हाँ, यहाँ से इवन देहरादून भी पूरा क्लियर दिखता है। सर घूम गया एक चक्कर मारते हुए, चक्कर आने लगा था। ये व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है, हवा से ही पता चल रहा है कि यहाँ कितना ठंड है। ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा है यहाँ। एग्जैक्टली।
हमारा मंदिर का दर्शन हो गया, हमने माथा टेक लिया और अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अब पहले चढ़ने टाइम भी स्पीड नहीं था, उतरने टाइम भी स्पीड। हाँ उतरने टाइम में इसका स्पीड देखिए, लाइक लग रहा है कि 5 मिनट में हम नीचे पहुँच जाएंगे। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अब कभी भी बारिश हो सकती है। सो एक्चुअली चढ़ते समय नहीं, उतरते समय पैर में दर्द हो रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, हमको भी लग रहा है ना। हाँ। so, हम लोग अपना ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा जो आई गेस 5 से 10 मिनट्स लगेगा नीचे जाने में, 10 मिनट्स में नीचे पहुँच जाएंगे। सो जो भी व्लॉग रहेगा वो अपकमिंग रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो आप जाओ और देखो, सर्च करो, स्क्रॉल करो, कौन सा पसंद आया लाइक करो, डिसलाइक मत करना। झिझनाहट सा हो रहा है और जैसे तुम नीचे उतर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली स्टेप्स आगे बढ़ जा रहा है, बट लेकिन नीचे उतरना बहुत जरूरी है। तो हम बढ़े, तुम बढ़े चलो, गिनी तुम्हारे साथ है। हम बढ़े जा रहे हैं और ये मेरे को धक्का देती हुई मेरे पैर पे कंट्रोल नहीं है। तमाशा मूवी को रेप्लिकेट करने वाली है, देखते हैं। जल्दी जल्दी, पीछे से लोग आ रहे हैं, वो देखो। गिर मत जाना। कौर्तिका वर्सेस द नॉलिटी।